समाजवादी युवा सभा और समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर क्यों है? कमजोर क्यों है बताइए ना, भाग क्यों रहे? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, जवाब दीजिए एडवोकेट जी का। आप जाके कि अखिलेश यादव जी रामपुर आ रहे हैं, आप में से किसी ने ट्वीट किया बताइए? नहीं बताइए ना। तो या आपने सोशल मीडिया नहीं देखा या आप ट्विटर देखे नहीं? आप पूरा ट्विटर और पूरा फेसबुक आप में लोग जुड़े नहीं होंगे, आप जुड़े नहीं होंगे, पूरा फेसबुक और ट्विटर पूरा भटा पड़ा है। अगर ये दिखाने तैयार हैं तो आपको क्या दिखाएं? अरे मैं आपको दिखाऊंगा सैकड़ों हजारों ट्वीट, लाखों ट्वीट, लाखों आपने कौन सा ट्विटर हैंडल देखा? मैंने अखिलेश यादव जी का ट्विटर हैंडल देखा है, कोई ट्वीट नहीं है उसमें। उनका अपना अपनी जो सियासत थी उसका जो अपना नजरिया था कि 2022 को आके इसको हम भुनाएंगे, तो उन्होंने जैसे जैसे करीब आता रहा इलेक्शन उस तरीके से वो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा, रामपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। माहौल ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और साइकिल यात्रा की शुरुआत इन्होंने की है। इस यात्रा को 2022 के हिसाब से भी देखा जा रहा है और आजम खां और यूनिवर्सिटी को लेकर ये यात्रा निकली है। कैसे देखते हैं इस यात्रा को और अखिलेश यादव का आज जो संबोधन हुआ उससे क्या सीख मिली है? देखिए, ये यात्रा सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ सत्ता का परिवर्तन करने वाली है। जिस प्रकार योगी और योगी का प्रशासन, जिस प्रकार उन्होंने जो तांडव किया है, जो माइनॉरिटी के ऊपर, जो दलितों के ऊपर, जो पिछड़ों के ऊपर और जो महिलाओं पे जो अन्याय और अत्याचार है उसके विरोध में साइकिल यात्रा थी। और जो सबसे बड़ा मुद्दा था इसमें जौहर विश्वविद्यालय को, क्योंकि देश की प्रगति और प्रदेश की प्रगति विश्वविद्यालय से और अस्पतालों से होती है, स्वास्थ्य और शिक्षा, और उस पर हमला जो योगी जी के प्रशासन ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और पूरे देश के जो विश्वविद्यालय है, चाहे वो JNU हो, चाहे वो जामिया विश्वविद्यालय हो, चाहे वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो और चाहे वो जौहर विश्वविद्यालय हो, भारतीय जनता पार्टी ने और योगी सरकार ने एक भी विश्वविद्यालय न बना करके विश्वविद्यालय तोड़ने का काम किया है। तो ये शिक्षा को लेकर के साइकिल यात्रा थी, सामाजिक परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन के साइकिल यात्रा। पर ये जो कार्रवाई चली है यूनिवर्सिटी को लेकर काफी टाइम हो गया, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर हो गई जब समाजवादी वाले लोग सामने आए? देखिए, समाजवादी लोग लगातार माननीय आजम साहब यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आंदोलनरत हैं, चाहे आप देखिए विधानसभा का घेरा हो, चाहे वो लोक भवन का घेरा हो, उसके पहले जो भी जब जी अन्याय हुआ है, चाहे किसानों पे, चाहे नौजवानों पे, चाहे महिलाओं में हाथरस की बहन कहो, हमेशा समाजवादियों ने सड़क पर उतर के आंदोलन किया है और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। आप मानते हैं कि अखिलेश यादव ने बोलने में काफी देरी कर दी है? नहीं, आजम खान के मामले में खासकर, आजम साहब के मामले से पहले दिन से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने नौजवान, अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाने का काम किया है उन्होंने। अभी क्या असर पड़ने वाला इस रैली से? पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर है और जो वंचित तबका है, जिस प्रकार उन्होंने अन्याय किया, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, आपने देखा कि SSC की वैकेंसी से लेकर के सारी जगह आरक्षण पे हमला हुआ है, माइनॉरिटी पे हमला हुआ, तो पूरे प्रदेश की आवाम एकदम समय बैठी हुई है, 22 में बदलाव करने जा रही है। योगी जी कहते हैं कि राम राज्य लाने वाले हैं, आप खुश नहीं हैं? देखिए, उनका राम राज्य हमेशा वंचित तबके के दमन पर आधारित है। उनका रामराज शिक्षा से वंचित कर देने का है, उनका रामराज स्वास्थ्य से वंचित कर देने का है, उनका रामराज जो दलितों और पिछड़ों में जो चेतना आई है, जो मुसलमानों में एक यूनिटी आई है, उसको तोड़ने का है। और ऐसा भी कोई रामराज जो भारतीय जनता पार्टी का रामराज है, वो रामराज नहीं बल्कि वो संघ का राज है। वो नागपुर से संचालित होते हैं और देश को धार्मिक और जाति बंटवारे में चाहते हैं, उसके विरोध में साइकिल यात्रा थी। हापुड़ से क्या लगता है आज का एक लहर चली है तो 2022 में अखिलेश समाजवादी सरकार, समाजवादी लोगों की सरकार दोबारा बनेगी, ये लहर है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आप धीरे धीरे देखिए पूरे प्रदेश का माहौल बदल जाएगा। माहौल बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। 50 साल तक राज करना है, उनके कहने से क्या होता है? वोट देने वाली जनता आपको दिख रही है, जनता का सैलाब है, दूर दूर तक देखिएगा, तो जाहिर सी बात है समाजवादी सरकार 2022 में आनी निश्चित है इस प्रदेश में। उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ अग्रसर है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो जो अखिलेश जी ने भैया ने काम किए हैं 5 साल, वो काम का अभी तो योगी जी फीता काट रहे हैं, वही काम को अभी तो अपना तरफ से कोई काम नहीं कर पाए हैं, जो अखिलेश भैया ने काम किए उसी के फीते काटे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुंडा राज जो था पिछली सरकारों में उसको हमने खत्म किया है। आप भी जानते कहीं खत्म नहीं हुआ, कहीं भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि गुंडा राज बढ़ गया है, गुंडा राज बढ़ गया है, दलितों का शोषण हो रहा है, मुस्लिम का, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है। के जो कार्यकर्ता उतरे हैं, खुद अखिलेश यादव चलकर यहाँ तक आए, क्या उसके पीछे की वजह सिर्फ चुनाव है या अखिलेश या आजम खान का की अब याद आई है उनको? ये जो यहाँ की जनता है, जनता ने याद किया है, जब जब जहाँ जहाँ जनता याद करेगी वहाँ अखिलेश यादव भैया हमारे पहुँचेंगे। सोशल मीडिया पे इतनी कमजोर क्यों है लोही अवानी और देखिए आप गलत पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी, और सड़क पे भी, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं। आप देखिए विपक्ष कहाँ है, कोई आपको दिखा है? अगर कांग्रेस बसपा कोई दिख रहा हो पूरे देश में, अभी जब आपका लॉकडाउन था तब जैसे अभी वकील साहब कह रहे हैं, मैंने पूछा क्वेश्चन, सोशल मीडिया पे
एम यूथ ब्रिगेड, लोहिया वानी, समाजवादी युवा सवन और समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर क्यों है? कमजोर क्यों है बताइए ना, भाग क्यों रहे? इधर आइए, बात जवाब दीजिए एडवोकेट जी का। आप जाके कि अखिलेश यादव जी रामपुर आ रहे हैं, आप में से किसी ने ट्वीट किया बताइए, नहीं बताइए ना। हाँ तो आपने सोशल मीडिया नहीं देखा या आप ट्विटर देखे नहीं? आप पूरा ट्विटर और पूरा फेसबुक आप में लोग जुड़े नहीं होंगे, आप जुड़े नहीं होंगे, पूरा फेसबुक और ट्विटर पूरा भटा पड़ा है। अगर ये दिखाने तैयार हैं तो आपको क्या दिखाएं? अरे मैं आपको दिखाऊंगा सैकड़ों हजारों ट्वीट, लाखों किसकी तरफ से? या एक सेकंड देखिए, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। आपने कौन सा ट्विटर हैंडल देखा है? कौन सा ट्विटर हैंडल देखा? मैंने अखिलेश यादव जी का ट्विटर हैंडल देखा है, कोई ट्वीट नहीं है उसमें। और उसमें पूरा प्रशासन को पता है, पूरे प्रदेश को पता है, आप कहाँ रहते नहीं पता है आपको? अरे आपको कुछ नहीं पता है, आप अगर झूठी बात, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा प्रदेश इसको मुरादाबाद से लेकर के पूरे प्रदेश में अगर आप कोई साइकिल यात्रा के बारे में, यहाँ का पूरा प्रशासन, ये भीड़ बिना जाने तो नहीं आई है, ये भीड़ आई है, पूरा प्रदेश जान कैसे आई है? वकील साहब ये देखिए, इसके अलावा कोई झूठ है मुझे दिखाइए ना, आप देखने नहीं चाहते? मैं देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ना, आप क्या नाम है आपका? पीछे हो जाओ। वकील साहब आपको क्यों लगता है ऐसा कि क्यों नहीं किया जा रहा है सोशल मीडिया? आप बताइए। ऐसा है लगातार मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हूँ, ट्विटर पे भी हूँ और फेसबुक वगैरह पे भी हूँ। जिस तरीके से और पार्टी फेसबुक पे बहुत और ट्विटर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी जो है ट्विटर वगैरह पे या सोशल मीडिया पे अपनी बात को नहीं रख पा रही है, रख नहीं पा रही है कि रखना नहीं चाह रहे हैं। ये अब ये मुझे नहीं पता, ये रखना नहीं चाहते या रख नहीं पा रहे हैं, ये मुझे इसके बारे में यही लोग बताएंगे क्या बात है। मैंने इन सब पूछा ना, आप रामपुर से हैं? मैं रामपुर से हूँ। रामपुर को लेकर, आजम खान को लेकर ये जो आरोप लगे हैं कि अखिलेश यादव ने देरी की है या नहीं बोल रहे, आप कैसे देखते हैं इसको? मैं कहता हूँ ऐसा है, जो मौजूदा वक्त था उस तरीके से अखिलेश यादव जी को जिस तरीके से उनका अपना अपनी जो सियासत थी उसका जो अपना नज़रिया था कि 2022 को आके इसको हम भुनाएंगे, तो उन्होंने जैसे जैसे करीब आता रहा है इलेक्शन उस तरीके से वो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति की तरफ से देख सकते हैं आप इसको कि ये राजनीति? नहीं, राजनीति की तरफ तो नहीं है, उनका पारिवारिक मामला भी है। ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव साहब से भी जुड़े हुए हैं वो, और आजम खान भी उनसे बहुत पहले जुड़े हुए हैंगे, तो उन्होंने सोच रखा होगा कि जिस तरीके से इलेक्शन करीब आ रहा है 2022 का, उस तरीके से हम इसको और मुद्दे को आगे तक लेके जाएंगे, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, यही मेरा ख्याल है।